जय मां विंध्यवासिनी। मैं पंडित मनोज कुमार मिश्रा दैनिक राशिफल में स्वागत करता हूं। आप बायोस्कोप न्यूज चैनल देख रहे हैं। मैं सबसे पहले दैनिक राशिफल के कार्यक्रम में आज का पंचांग बताऊंगा। आज तारीख 18 अक्टूबर 2023 है, दिन बुधवार, और आज का जो नक्षत्र है वह है अनुराधा। आज का राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगी। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य का शुरुआत नहीं करें, यात्रा को भी वर्जित करना चाहिए। आज माता रानी के पूजा का चौथा दिन है। चौथा दिन में माता रानी का कुष्मांडा स्वरूप का पूजा होता है। मैं इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं राशि क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि वाले जातकों के बारे में बताना चाहता हूँ। मेष राशि वाले जातक, आज आपको धन लाभ होगा। रुपया हुआ, कहीं का जो आपका रुपया फंसा हुआ होगा वह आज आपको मिलेगा, और मेहनत करने से आज आप सफल होंगे। लेकिन आपको अपने वाणी पे संयम रखना है। वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो वाद विवाद हो सकता है। आज आपका भाग्य प्रतिशत 60% है। आज आपको अपना दिन और बेहतर करने के लिए माता रानी का कुष्मांडा स्वरूप का पूजा करना है, और साथ में ही आज आप दुर्गा कवच का पाठ करें तो आपके लिए अति शुभ होगा। अब मैं वृष राशि वाले जातक को बताना चाह रहा हूँ। आज आपका दिन अत्यंत शुभ है। आज आप बहुत खुशी अनुभव करेंगे, बहुत रोमांटिक अनुभव करेंगे। कहीं घूमने का प्रोग्राम भी अपने जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ आप प्लान कर सकते हैं। आज आपको माता रानी का कुष्मांडा स्वरूप का जरूर पूजा करना चाहिए। आज आपको अपने भाग का साथ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। एक्सपर्ट के सलाह पर आप कर सकते हैं। आज आपका मन बहुत रोमांटिक रहेगा। थोड़ा मन पे कंट्रोल भी आज आपको करना चाहिए। स्टूडेंट हैं तो आपको आज अच्छा अपने पढ़ाई लिखाई से लेकर अच्छा खबर आएगा, अच्छा न्यूज आपको मिलेगा। आपका भाग प्रतिशत 70% है। आज आपको थोड़ा सा ही मेहनत करने में असफलता दिखेगी। अपना दिन को और बेहतर करने के लिए आपको शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, और ओम सोम स्वाय नमः का कम से कम 108 पाठ करते हैं तो आप आज आपका दिन बहुत ही शुभ रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक, मिथुन राशि वाले जातक, आज आपको विदेश से कोई अच्छी समाचार मिलने की संभावना है। यदि आप विदेश जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई किए होंगे तो वह आज आपका काम आज पूरा हो सकता है। लेकिन आपको अपने खर्च पे ध्यान देना है। जो भी खर्च आप करें वह धार्मिक कार्य पर करें, पूजा पाठ पे करें। आपका आज का दिन थोड़ा संघर्ष से भरा हुआ रहेगा। आपको संघर्ष सफल होने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज का दिन बेहतर बनाने के लिए आपको गणेश अथवा वृष का और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपका दिन और अच्छा बीतेगा। अब मैं कर्क राशि वाले जातक के बारे में बताना चाह रहा हूँ। कर्क राशि वाले जातक, आज आपका दिन जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि आज आपका इनकम का स्रोत बढ़ने वाला है। 1-2-3 स्रोत से भी आज आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन आपको ईमानदारी से मेहनत करने की जरूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस में या घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आपको अपना काम, अपना कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए। आज आपके कार्य का प्रशंसा आपका बॉस भी करेंगे, और आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। जॉब में प्रमोशन वगैरह का भी योग बन सकता है। आपको अपना दिन और बेहतर करने के लिए आपको चाहिए, आप माता रानी के चौथा स्वरूप का पूजा करें विधि विधान से, और दुर्गा कवच में
के साथ साथ अर्गला स्त्रोत का भी पाठ करें तो आपके लिए आज का दिन और अच्छा होगा। भाग्य प्रतिशत 80% है और आपको जो है थोड़ी सी मेहनत में आप आज सफल हो जाएंगे। अब मैं सिंह राशि वाले जातकों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आज आपके कार्य की प्रशंसा होगी, अपने कार्यस्थल पर आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो उसमें आपको लाभ मिलेगा और आज आप सफल होंगे। कोई पुरानी योजना जो आपकी होगी वो आज पूरा संपन्न हो जाएगा। आज आप खुशी का अनुभव करेंगे, कहीं बाहर भी घूमने का आपका प्रोग्राम बन सकता है। आज आपको अपने पिता जी का सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि पिता नहीं हो तो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आप आशीर्वाद ले सकते हैं। आपको आज सूर्य भगवान का पूजा करना चाहिए, माता रानी के कुसमुंडा स्वरूप का भी पूजा करना चाहिए, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अति शुभ रहेगा। आपका भाग प्रतिशत आज बहुत ही अच्छा है, 80% के आसपास। अब मैं कन्या राशि वाले जातक के बारे में बताना चाह रहा हूँ। कन्या राशि वाले जातक, आज आपका दिन उतना अच्छा नहीं है क्योंकि आज आपको लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद होने का संभावना हमको दिखाई दे रहा है। आपको वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपके अपने रिश्तेदारों से भी रिश्ता आज बिगड़ सकता है, फजूल का आप खर्च हो सकता है, मानसिक टेंशन आपकी बढ़ सकती है। आज का दिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आप सफल होना चाहते हैं, दिन को अच्छा बिताना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ और दुर्गा चालीसा का पाठ निश्चित ही करना चाहिए। अब मैं तुला राशि वाले जातकों के बताना चाह रहा हूँ। तुला राशि वाले जातक, आज जो है आपके लिए आज का दिन अच्छा है। अच्छा इसलिए है जो आपका कोई पुराना धन आज आपको मिलने वाला है, लेकिन आज आपको सावधान रहने की भी ज़रूरत है। आप किसी को आज उधार नहीं दें, वरना आपका पैसा जो है, आपका रुपया धन जो है वह फंस सकता है, आपको वापसी लेने में बहुत ही कठिनाई होगी। वैसे भी कहा जाता है बुधवार को किसी को उधार नहीं देना चाहिए, उधार देने से धन फंसने की संभावना बनी रहती है। तो आज आपको तो विशेष सावधान रहना चाहिए। भाग प्रतिशत आपका 60% है, मेहनत करने से आप सफल हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट यदि के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आज आपको अपना दिन को बेहतर बनाने के लिए जो है दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करें तो और अच्छा रहेगा। अब मैं वृश्चिक राशि वाले जातकों को बारे में बताना चाह रहा हूँ। वृश्चिक राशि वाले जातक, आज आपका जो दिन है वह शुभ रहेगा। शुभ इसलिए कि आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि आज आपको जीवन साथी के प्रति वफादार रहना पड़ेगा। आज आपको अपने जीवन साथी का मान सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। आज बिजनेस व्यापार में भी तरक्की मिलेगा, लाभ का योग बना हुआ है। भाग प्रतिशत 80% है। आज आप अपना दिन को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो शिवलिंग पे कच्चा दूध और अक्षत चढ़ाएं तो आज आपका दिन और भी अति शुभ रहेगा। मैं आज माता जी का कुष्मांडा स्वरूप के बारे में चर्चा करूंगा, उनका पूजा पाठ के बारे में बताऊंगा, उनको क्या चीज़ भोग लगाते हैं। माता रानी का कुष्मांडा स्वरूप जो है वह चौथा स्वरूप है। कुष्मांडा स्वरूप का पूजा करने से आपको सूर्य ग्रह मजबूत होता है। जब सूर्य ग्रह मजबूत होगा तो मान सम्मान, धन दौलत, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, नौकरी में तरक्की होती है, नौकरी अच्छा चलता है, नौकरी में कोई बाधा आती है तो वह समाप्त हो जाती है। तो माता रानी का कुष्मांडा स्वरूप का निश्चित ही पूजा करें, कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। माता रानी को प्रसाद के रूप में मालपुए का भोग लगाया जाता है। मालपुआ आप घर में बना के माता रानी को जरूर प्रसाद भोग लगाएं।
और कहा जाता है मालपुआ का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है। जिनका बुद्धि कम हो, जो मंद बुद्धि हो, तो उनको उनके नाम पर तो निश्चित भोग लगाना चाहिए। साथ में जो आदमी अच्छे खासे हैं वो यदि करते हैं तो और उनका बुद्धि प्रखर हो जाएगा और तेज हो जाएगा और वो बुद्धिमान हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी कार्य होंगे बगैर बुद्धि का तो आप कर नहीं सकते। बुद्धि में हर चीज़ की जरूरत है, विजडम का। तो आज जरूर माता रानी को मालपुए का भोग लगाए। राशि कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं धनु राशि के जातक के बारे में बताना चाह रहा हूँ। धनु राशि वाले जातक, आज आपका खर्च अचानक बढ़ेगा और कोई पुराना शत्रु आज आपको परेशान करेगा, उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको फंसाना चाहेगा। यदि आज आपको पर केस या वारंट है तो आप आज छिप कर ही रहें तो आपके लिए भलाई है, वरना अरेस्ट होने की संभावना है। आज आपका भाग प्रतिशत 40% है, बहुत कम है। आप आज आपको सफल होने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हर प्रकार का विवाद, कानून के पेच इत्यादि से बचने के लिए आज आपको हनुमान कवच का पाठ निश्चित ही करना चाहिए। अब मैं मकर राशि वाले जातक के बारे में बताना चाहता हूँ। मकर राशि वाले जातक, आपको आज अपनी माता के सेहत पर ध्यान देना चाहिए। आज उनका सेहत बिगड़ सकता है। प्रॉपर्टी के लेन देन या किसी प्रकार का यदि आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, साइन करते हैं, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, वरना आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। इन सब सारे समस्याओं से बचने के लिए आपको बजरंगवान का पाठ करना चाहिए। और आज आपका भाग प्रतिशत 60% है। कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि वाले, आपको अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए, रिश्तेदार से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और लड़ाई झगड़ा से दूर रहने का कोशिश करना चाहिए, वरना कानूनी विवाद में आप फंस सकते हैं। भाग्य प्रतिशत बहुत कम है, 45% है। आज आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा ईमानदारी से। नौकरी पेशेवर हैं तो अपने बॉस से विवाद भी नहीं करना चाहिए, वरना नौकरी के लिए भी खतरा हो सकता है। आज आपको अपना दिन बेहतर बनाने के लिए दुर्गा कवच या हनुमान कवच का पाठ करना चाहिए। मीन राशि वाले जातक, आज आपको फंसा हुआ धन मिल सकता है, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, नहीं तो आप कोई समस्या में, विवाद में फंस सकते हैं। सेहत पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना आपका तबीयत खराब हो सकता है। आपको इन सारी समस्याओं से बचने के लिए माता ब्रह्मचारिणी के द्वितीय स्वरूप का पूजा करना ही चाहिए। शक्कर का प्रसाद लगाना, भोग लगाना चाहिए, दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए और नवारण मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो आपका दिन बहुत ही शुभ रहेगा। आप बायोस्कोप न्यूज चैनल देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, बायोस्कोप न्यूज चैनल देखते रहें। किन्हीं जातकों को कोई समस्या हो तो आप मुझे संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।